ठीक है, रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग टू टेबल्स, स्टेशनरी एंड कंज्यूमर। है ना, दो टेबल है आपके पास, एक स्टेशनरी है, दूसरा है आपका कंज्यूमर टेबल है। स्टेशनरी टेबल का फील्ड कितना है, डिग्री क्या है और कार्डिनलिटी क्या है, बताओ। डिग्री और कार्डिनलिटी बताओ तो फिरदौस। स्टेशनरी टेबल का डिग्री और कार्डिनलिटी बता पाएगी? यस सर फिरदौस। डिग्री, सर सर दोनों डिग्री का फाइव 5 है और कार्डिनेटी भी 5 ही है। फाइव, वेरी गुड। डिग्री भी 5 है, कार्डिनलिटी भी 5 है, गुड। अच्छा, कंज्यूमर टेबल का डिग्री और कार्डिनलिटी बताओ। डिग्री हो गया आपका 5 और कार्डिनलिटी कितना हो गया टेबल का? कार्डिनलिटी भी कितना हो गया? 5। ये किस टेबल का हुआ बच्चों? टेबल कौन सा टेबल का है ये? तो स्टेशनरी वेरी गुड, स्टेशनरी टेबल। अच्छा, डेटाबेस में टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी टेबल का डिग्री 5, कार्डिनलिटी 5। ये हम बार बार रिवीजन इसलिए कराते हैं कि ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिमिलरली आते हैं अब हम लोग टेबल, और एक कौन सा टेबल है क्वेश्चन में देखिए तो, एक और कौन सा टेबल है? दैट इज कंज्यूमर कंज्यूमर। टेबल, है ना। कंज्यूमर टेबल का डिग्री और कार्डिनलिटी अगर पूछे तो, व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ कंज्यूमर टेबल? कंज्यूमर टेबल, यस। कंज्यूमर टेबल का डिग्री और कार्डिनलिटी, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल, और कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, ठीक है। डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल, और कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ व्हाट, रोज इन द टेबल या टपल इन द टेबल। तो आप टेबल कंज्यूमर का डिग्री और कार्डिनलिटी बताइए, कंज्यूमर टेबल का डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री चार, एनीवन? कार्डिनेट सर, डिग्री चार, कार्डिनेटी पांच। डिग्री हो गया बोल रहे हो 4, यस सर, एंड कार्डिनलिटी? फाइव। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी फाइव कार्डिनलिटी कितना बोल रहे हो? सर, फाइव। कार्डिनलिटी 5, ठीक बोला ईशा, करेक्ट बोला है, बोलो। डिग्री कार्डिनलिटी सही बताया दोनों टेबल का। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेशनरी टेबल क्रिएट करना, तो इस टेबल को क्रिएट करने में बोल रहा है एस अंडर स्कोर आई डी इज द प्राइमरी की। तो इसका सबको चलो अपने से बना के दिखाओ, टेबल बनाइए एवरीवन। क्रिएट क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा? स्टेशनरी, तो स्टेशनरी लिखेंगे, ठीक है। स्टेशनरी हो गया, है ना, स्टेशनरी। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे। इसके बाद क्या लिखना है, फील्ड का नाम बोलो। फर्स्ट फील्ड नेम इज व्हाट? फर्स्ट फील्ड नेम इज इन स्टेशनरी टेबल एस अंडर स्कोर आई डी। जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखोगे, है ना, एस अंडर स्कोर आई डी, है ना। उसके बाद इसको हम इंटीजर में रखते हैं। इसका डेटा टाइप क्या रखे हैं? इंटीजर, है ना। डेटा टाइप हमारा क्या रहेगा? इंटीजर। ब्रैक कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, इंटीजर। उसके बाद क्या लिखते हैं? नॉट नल। ये आज लास्ट बता रहे, इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे। फिर प्राइमरी की, फिर प्राइमरी की, है ना, ठीक है। एस अंडर स्कोर आई डी हो गया। इसके बाद क्या फील्ड है क्वेश्चन में देखिए, स्टेशनरी नेम कंपनी प्राइस, है ना। तो हम लोग लिखते हैं स्टेशनरी नेम, स्टेशनरी नेम। उसके बाद फील्ड का नाम बताओ जी क्या है, वेयर कैर,
डेटा टाइप इसको हम ले लेते हैं वायर कैप और 25 कर लेते हैं, ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर कॉमा स्टेशनरी नेम के बाद क्या है पढ़ो, कंपनी है ना, कंपनी इसको भी हम ले लेते हैं वायर कैर में ही, वायर कैर। समझ में आ रहा है, ये डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं हर एक फील्ड का, हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। कॉमा दिया जाता है हर एक फील्ड नेम के बाद, उसके बाद क्या है कंपनी के बाद प्राइस है और स्टॉक डेट है ना, तो हम लोग प्राइस लिखते हैं, प्राइस। उसके बाद प्राइस को हम क्या रख लें, इंटीजर में रख सकते हैं या डेसिमल भी, और इसके बाद स्टॉक डेट स्टेट। इसका डेटा टाइप क्या होता है जी, स्टॉक डेट का डेटा टाइप क्या होगा? यस एनीवन टेल मी, डेट, वेरी गुड, डेट डेटा टाइप। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, तब जाके हमारा टेबल जो है स्टेशनरी क्रिएट हो जाएगा, है ना। नाउ टेबल स्टेशनरी क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आइए क्वेश्चन में, ये स्टेशनरी टेबल बना लिए, अब हमको बोल रहा है एस अंडरस्कोर आईडी को प्राइमरी की हमने बना लिया, ये देखो बनाए ना हम लोग प्राइमरी की, ये देखो इसको हम लोग प्राइमरी की बनाए हैं, इसका कलर चाहो तो हम चेंज कर देते हैं अगर आप बोलो तो, है ना, ये प्राइमरी की हम लोग बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेबल में बोल रहा है कंज्यूमर टेबल, कंज्यूमर टेबल बनाओ, चलो बना के भेजो तो सब लोग, बनेगा बोलिए? यस सर। बनाओ अपने से बनाओ, क्रिएट टेबल कंज्यूमर, कंज्यूमर टेबल उसी तरह बनेगा, फिर क्या लिखेंगे ब्रैकेट, फिर क्या लिखना होगा हमको, क्या है कंज्यूमर टेबल में फील्ड, पहला फील्ड है सी अंडर स्कोर आई डी, और यहाँ पे नोट में देखो क्या लिखा है, सी अंडर स्कोर आई डी इज द प्राइमरी की, तो हमको सी अंडर स्कोर आई डी को क्या बनाना पड़ेगा, प्राइमरी की, तो सी अंडर स्कोर आई डी प्राइमरी की, तो इसको हम इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर, देन नॉट नल, ठीक है, प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है, कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट क्या फील्ड है, प्राइमरी की हमने बना लिया, नेक्स्ट क्या है कंज्यूमर नेम है फिर एड्रेस है, तो कंज्यूमर नेम अब हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो कंज्यूमर नेम में आते हैं, कंज्यूमर नेम, ये यूट्यूब में हम अपलोड करने का कोशिश करते हैं आज फिर से, अगर हो पाएगा तो हम तुम लोगों को इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब में, वहां से भी आप इस वीडियो को रिपीट टेलीकास्ट में देख लोगे, इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक ऐप है दैट इज बैंडीकैम ऐप, ठीक है। वायर कैर इसको हम ले लेते हैं 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर दैट है एड्रेस, फिर पी अंडर स्कोर आई डी, ठीक है, तो एड्रेस फील्ड ले लेते हैं हम लोग, एड्रेस, एड्रेस वायर कैर, इसको हम ले लेते हैं 30 कैरेक्टर, इसका साइज 30 कैरेक्टर का, मान लो एड्रेस 30 कैरेक्टर से ज्यादा तो होगा नहीं, है ना। अब कॉमा, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है पी अंडर स्कोर आई डी, यहाँ पर क्वेश्चन का नोट में, सेकंड नोट में, पी अंडर स्कोर आई डी इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग एस अंडर स्कोर आई डी ऑफ स्टेशनरी टेबल, यानी बोल रहा है पी अंडर स्कोर आई डी जो है उसको क्या बनाना है, फॉरेन की, जो कि एस अंडर स्कोर आई डी के रेस्पेक्ट में होगा, किस टेबल का, तो स्टेशनरी टेबल का, तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए हम खुद बना रहे हैं, तो पी अंडर स्कोर आई डी है, पी अंडर स्कोर आई डी लिखेंगे, देन इंटीजर जैसे क्वेश्चन में बोला था लिख दिए। उसके बाद जब भी हम लोग फॉरेन की बनाते हैं तो रेफरेंसेस कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, विच कीवर्ड इज यूज टू मेक अ फॉरेन की इन अ टेबल, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस, फिर किस टेबल से रेफरेंस लेना है, तो मुझे स्टेशनरी टेबल से, तो स्टेशनरी टेबल का नाम लिखेंगे हम लोग, देखो स्टेशनरी टेबल लिख दिया, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी अंडर स्कोर आई डी को फॉरेन की बनाना है, रेफरेंस करना है एस अंडर स्कोर आई डी किसका, स्टेशनरी टेबल, तो स्टेशन